नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले अपने आखिरी वाराणसी दौरे में पीएम मोदी काशी को 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात आज देने वाले हैं। आज पीएम बीएचयू में छात्रों को पुरस्कार देने के बाद सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। उसके बाद पीएम करखियाव एग्रो पार्क जाएंगे और वहां 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात वाराणसी को देंगे। वाराणसी पहुंचते ही पीएम मोदी एक्शन में दिखे। सीएम योगी के साथ बीती रात पीएम मोदी ने विकास कार्यों का निरीक्षण भी काशी में किया। देखिए, आज 13,000 करोड़ की सौगात काशी को पीएम मोदी देने वाले हैं। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त काशी में हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। बीएचयू में छात्रों के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। इसके अलावा और भी अन्य कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। वक्त बेशक रात का था, लेकिन अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री को लेकर वाराणसी के लोगों की दीवानगी कम नहीं थी। एयरपोर्ट से पीएम का काफिला जब निकला तो वाराणसी मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले आखिरी बार पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर सीएम योगी और बीजेपी के दूसरे नेताओं ने पीएम का स्वागत किया। उसके बाद पीएम का काफिला एयरपोर्ट से बनारस रेल कारखाना के गेस्ट हाउस के लिए रवाना हुआ। रास्ते में जगह जगह पीएम के स्वागत में भीड़ जुटी थी। कहीं पीएम के काफिले पर फूलों की बारिश हुई तो कहीं मोदी मोदी के नारे लगे। कुछ इस अंदाज में शुरू हुआ पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन बेहद व्यस्त रहने वाला है। आज दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी सुबह 10 बजे बीएचयू स्वतंत्रता भवन में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता छात्रों को पुरस्कृत करेंगे। पीएम संस्कृत स्कूल के 66 छात्रों को स्कॉलरशिप देंगे। काशी की संस्कृति और कला समेत 21 थीम पर आधारित फोटो प्रदर्शन देखेंगे। सुबह 11:15 पर पीएम संत गुरु रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर पहुंचेंगे। पीएम यहां दर्शन पूजन करेंगे। सुबह 11:30 पीएम संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी करीब 1.5 घंटे तक सीर गोवर्धनपुर में रहेंगे। सीर गोवर्धनपुर में पीएम संत रविदास जी की 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद पीएम करखियाओं एग्रो पार्क के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 1:45 पर पीएम करखियाओं एग्रो पार्क में 622 करोड़ रुपए से बने बनास काशी संकुल यानी कि अमूल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस प्लांट से वाराणसी समेत पूर्वांचल के लगभग हजारों पशुपालकों को लाभ होगा। जैसे गुजरात में अमूल के माध्यम से दूध क्रांति हुई, वैसे ही पूर्वांचल में भी दूध क्रांति की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में ये होने जा रहा है। आने वाले दिनों में धीरे धीरे और भी एग्रीकल्चर कोर्प को भी इन्वॉल्व इनमें करेंगे। लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री जी का एक ही है कि हमारे गाँव का किसान सशक्त बने। पीएम आज वाराणसी को जिन बड़े प्रोजेक्ट की सौगात देंगे उनमें वाराणसी रांची कोलकाता 6-लेन एक्सप्रेसवे निर्माण प्रोजेक्ट खास है। 1,317 करोड़ लागत वाली इस परियोजना के पूरी होने के बाद वाराणसी से कोलकाता की दूरी 15 घंटे की जगह 9 घंटे में पूरी हो सकेगी।
पीएम बनारस को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की करखियाओं की एडवांस रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की सौगात देंगे। इस यूनिट में ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली कवच का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री वाराणसी के वरुणा पार इलाके के पांडेयपुर में 150 करोड़ की लागत से बनने वाले 420 बेड के मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। ये मेडिकल कॉलेज बीएचयू के बाद मेडिकल का दूसरा बड़ा संस्थान होगा। पीएम डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फेज वन का लोकार्पण करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स 93.2 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। स्टेडियम में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं, देश के दूसरे हिस्सों से भी खिलाड़ी यहां आकर ट्रेनिंग ले सकेंगे। जब से मोदी जी ने ये बात कही थी कि हमारा स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम होगा, तब से इस बात से हम लोगों को बहुत गर्व हुआ था कि जल्दी स्टेडियम बने और सारे बच्चे फिर से आए और अपने पहले जैसा ही वो एक जैसे पहले एक उत्साह से प्रैक्टिस की जाती थी वैसे ही प्रैक्टिस हो और सारे चीज़ अपने अच्छे सुचारू रूप से होते रहे। 10 साल में 43वीं बार पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे हैं। करीब 19 घंटे के वाराणसी दौरे के बाद अपने संसदीय क्षेत्र को विकास की सौगात देने के बाद पीएम दिल्ली वापस लौट आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।